और उसके अलावा कुछ भी सीनियर मंजूर भाई, नाजिम भाई, बाबू भाई, दादा सुहेल भाई, मोहम्मद साजिद भाई, फारूक भाई, फिरोज भाई, मोहम्मद भाई, पीछे टोपी दी, माजी में टोपी। आप आगे भाई टोपी बना हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर के हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं
समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समंदर जैसी शख्सियत के मालिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन की नुमाइंदगी करने का पुरअज़्म हौसला रखने वाले शख्सियत जनाब लियाकत साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और तलबा स्टूडेंट के सामने रूबरू होकर अपने जज्बात इजहार करें। मेरी सलाह हो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम जलाई है हवाओं की खिलाफ। हजर अजीज सीनियर हजरात, मेरे साथियों और छोटे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंतखाबात का ऐलान होते ही जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां उरूज पे हैं, ऐसे वक्त में दिशाओं तलबा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि वो एक ऐसे शख्स को चुने जो ना सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करने वाला हो बल्कि हमारी शानदार तारीख और सुनहरी रवायात का इल्म भी रखने वाला हो। आज हमारी मादे दरगाह जो मुकाम हासिल है उसमें सर सैयद अली रहमा का लहू मोहसिनुल मुल्क शिबली व खाली के आंसू शामिल। हमारे असलाफ ने इस मादे दरगाह की तरक्की के लिए जो जो कुर्बानियां दी वो तारीख का एक अहम बाब है। सर सैयद अली रहमा ने मादे दस की बुनियाद डालते वक्त न जाने कितनी परेशानियां झेली, नवाबजादों और अमीरों की गालियां तक सुनी, उन पर फतवा तक लगा, लेकिन वो बेपरवाह होकर मादे दरगाह की बुनियाद का मुसलमानों के लिए एक ऐसा तालीमी इदारा तैयार किया जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। लेकिन आज हमारे कदर मंजिलत और शोहरत को फिर किसकी नजर लग गई, हमारा वकार क्यों गिरता जा रहा है? आज हालात ये हैं कि जहां एक बार हमारी यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन जब कोई फैसला लेती थी तो दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें अपने फैसलों को बदलने पर मजबूर हो जाया करती थी, लेकिन आज हमारी यूनियन डाइनिंग हॉल से लेकर पोस्ट ऑफिस की टेबल तक महदूद हो गई। बड़े अफसोस की बात है। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जो यूनियन का वकार होता था कि जब हमारी यूनियन के लीडरान इंदिरा गांधी से मिलने जाते थे तो वो उनके लिए किसी भी वक्त मिलने के लिए तैयार होती थी, उनकी ताकत उनकी जो मजबूती थी वो आप थे, वो ताकत और वो मजबूती आप थे, क्योंकि आप जब उनके साथ होते थे तो उनकी उनके आगे चाहे वो इंदिरा गांधी की यूनियन रही हो या पिछली कुछ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रही हो या पिछली कुछ गवर्नमेंट रही हो, हर बार हर वक्त आपके आगे झुकती रही है। मेरे बड़े भाई माजिन भाई ने भी बताया कि जिस लिहाज से यूनियन का जो वकार था वो अब क्या हो गया। माइनॉरिटी कैरेक्टर पे जब यूनिवर्सिटी की आँच आई तो यही यूनिवर्सिटी यही आप ही तलबा लोग 25 बसों में भरकर यहां से अलीगढ़ तक एहतजाज किए। यूपी की गवर्नमेंट हो या उस वक्त की दिल्ली गवर्नमेंट हो, आपकी सिक्योरिटी और आपके लिए हर वक्त तैयार थी। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से जिस सलीके से आपने एहतजाज किया वो बहुत ही बेमिसाल था। मैं लियाकत खान आप लोगों की खिदमत करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैंने 11 साल से इस यूनिवर्सिटी में हर तरीके की चाहे वो यूनियन के लिए रही हो या फिर माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए रही हो, किसी भी तरीके का एहतजाज हुआ या कुछ भी हुआ उसमें अपने बड़े भाइयों के क़यादत में उनके साथ रहा, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कोई भी परेशानी हो
न्यूज़टी के ऊपर कोई यहाँ चाहेगी तो चाहे मैं सदर बनूं या ना बनूं, इंशाल्लाह ताला आपकी क़यादत आपके साथ। कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं है, लेकिन हाँ मैं करने में यकीन रखता हूँ। मैं आप ही के बीच से उठकर यहाँ आया हूँ। मेरे अंदर खुदा ने कोई सुरखा आपके पर नहीं लगा रखे हैं कि मैं आपसे वादा करूँगा और उसे मैं आपसे कह दूँ कि मैं आज आपके लिए चांद और तारे ला दूंगा, तो ये नहीं करने वाला मैं। हाँ, लेकिन आपके साथ इस वादे के साथ जो रहा हूँ कि अगर आपको किसी एक भी बच्चे को, मेरे छोटे भाई को अगर कोई परेशानी हुई तो मैं आपके साथ हर वक्त मौजूद हूँगा, चाहे वो यूनियन में मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं आपके आपके साथ आपकी मोहब्बत और आपके खुलूस के लिए हर वक्त आपके साथ रहूँगा। यूनियन का जो एक वकार होता था, मैंने पिछली 6 यूनियन यहाँ पे देखी। इस 6 यूनियनों में मैंने उरूज भी देखा और जवाल भी देखा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जो यूनियन पिछली हुआ करती थी, हमारे जो पिछले लीडर हुआ करते थे जिनकी एक आवाज पे लोगों की सांसें रुक जाती थी, इंशाल्लाह ताला मैं वही वही मकाम दोबारा आपको लाकर दिखाऊंगा। जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारे एक मुबीन भाई को यहाँ से उठाती है यूसी से और 1 हफ्ते तक उनका कुछ पता नहीं चलता है, तब हमारी अलीग बिरादरी, हमारी तलबा का एहतजाज पूरी दुनिया में होता है। और वाजपेयी गवर्नमेंट की सरकार होने के बावजूद, वाजपेयी उस वक्त यूएस में अपनी मीटिंग में गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारी अली बिरादरी के जो हमारे भाई हैं उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारे भाई का पता नहीं चल जाता हम तब तक आपकी इस मीटिंग को कामयाब नहीं होने देंगे। वाजपेयी की गवर्नमेंट, वो वाजपेयी सरकार उस वक्त मजबूर हो गई कि हमारे मुबीन भाई का पता लगा के तुरंत बताया घंटों के अंदर कि उन्हें मथुरा की जेल में रखा गया था। ये आपकी ताकत थी, ये हमारी अली की ताकत थी, लेकिन आज वो ताकत कहाँ है? जब हम एहतजाज करने जाते हैं तो 25 लोग हमारे साथ होते हैं, क्या बात है? हमारी रवायतें कहाँ चली गई? क्यों हमारी रवायतों को खत्म कर दिया गया? हुजूर, हमारी हदीस में है कि जब हम खाना खाएं तो उससे पहले अपने पड़ोसी को देखने, कहीं वो भूखा तो नहीं है? लेकिन आज हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते हैं। क्या यही रवायतें हम जिंदा रहते हुए हैं? हमारी रवायतें अगर जिंदा नहीं रही तो हमें भी मिटने में वक्त नहीं लगेगा। किसी कौम को खत्म करने के लिए उसकी जबान और उसकी तहजीब और को खत्म कर दीजिए तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमारी जबान को पूरी कोशिश की जा रही है खत्म करने की, और हमारी रवायतों को भी देख ही रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस लिए जानी जाती थी आज उसे खत्म किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन रवायतों को दोबारा जिंदा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि बगैर आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी ताकत आप हैं, मैं आप हैं मेरे साथ तो मैं सदर हूँ, आप नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी एक रखता हूँ कि आप सभी लोग जिस तरीके से आज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, यूनियन में मैं रहूँ या ना रहूँ, हर वक्त आप मेरे साथ रहेंगे। और मगरिब की अजान होने वाली है, इसलिए मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि मुझे दिल दिया तो तब भी दे जो दूसरों का शरीक गम, मुझे दिल दिया तो तब भी दे जो दूसरों का शरीक गम, मुझे ऐसे दिल की तलब नहीं जो किसी के काम ना आ सके। छोटे भाई सैयद हुसैन वकार साहब, क्योंकि वो स्टेशन हाल के सामने वो कैबिनेट मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उनका इरादा भी यहीं से शेरवानी पोशी करने का था, तो लियाकत भाई का और उनका टाइमिंग क्लेश हो गया, तो हम मैं अपने छोटे भाई के एहतराम में और उनकी दरख्वास्त को रद्द न करते हुए उनकी शेरवानी पोशी कराना चाहता हूँ। कैबिनेट मेम्बर के लिए सैयद हुसैन वकार साहब, इसकी शेरवानी पोशी हो जाएगी। आप लोग भाई के साथ में लगी आगे।
ले लो। चलो भाई ज्यादा दर है नहीं भैया, मुकेश भाई आ गए एक जगह प्रोग्राम बता रहे हैं। माजिम भाई Yeah, that's it. 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 Yeah, that's it.